अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं अबाउट डीएनए सीक्वेंसिंग, द प्रोसेस ऑफ डिटरमिनिंग द सीक्वेंस ऑफ फोर नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल। जिस तरीके से हमें पता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल में फोर डिफरेंट तरह के नाइट्रोजीनियस बेसिस, यानी कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं और इनका एक स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट होता है। तो इनके डिफरेंट ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की वजह से हमारी बॉडी के डिफरेंट जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं और उनके जेनेटिक कोड्स एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हम एक दूसरे से डिफरेंट बन रहे होते हैं। तो इन न्यूक्लियोटाइड्स के या इन नाइट्रोजीनियस बेसिस के सही ऑर्डर को जानना, ये है डीएनए सीक्वेंसिंग। या हम डीएनए सीक्वेंसिंग को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन इन अ सेक्शन ऑफ डीएनए। और ये जो इनकी अरेंजमेंट है तो ये स्पेसिफिक होती है। तो ये है हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग। So next we are going to discuss about the importance of DNA sequencing, why we want to know about the correct order of arrangement of these nitrogenous bases, because we want to know about the gene structure. अगर हमें न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट का पता चल जाए, इनकी रेपिटेशन का पता चल जाए, तो इट मीन कि हमें जेनेटिक कोड्स का पता चल जाता है। और जब हमें किसी जीन के जेनेटिक कोड्स का पता चल जाता है तो हम ये बता सकते हैं कि इस जीन के अकॉर्डिंग कौन से इमाइनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे और इस जीन के अकॉर्डिंग पे कौन से प्रोटीन्स या पॉलीपेप्टाइड की फॉर्मेशन होगी। तो जीन के स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के बाद हम उसकी एक्सप्रेशन बता सकते हैं, जीन की हम रेगुलेशन बता सकते हैं, या जो डिफरेंट जीन्स अपने प्रोटीन्स बनाते हैं और वो प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी के अंदर या सेल्स के अंदर, तो हम उनको भी जान सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग की वजह से हमें जब जीन के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की अरेंजमेंट मालूम हो जाती है तो हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं एक नॉर्मल जीन की और एक एबनॉर्मल या रिसेसिव जीन की। तो जितनी भी जेनेटिक डिजीज़ को कॉज करने वाले जीन्स हैं तो इनका पता हमें कैसे चलता है, क्योंकि उनमें न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हुई होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल जीन। तो हम इन दोनों की आपस में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, एक डिजीज्ड और एक नॉर्मल जीन की, थ्रू डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये हमने डीएनए सीक्वेंसिंग की इंपॉर्टेंस की बात कर ली कि हमें जीन का सब कुछ पता चल जाता है, उसके न्यूक्लियोटाइड्स का, उसके जेनेटिक कोड्स का, उससे कोड होने वाले प्रोटीन्स का, और वो प्रोटीन्स कब एक्सप्रेस होते हैं, कब नहीं एक्सप्रेस होते हैं, या एक स्पेसिफिक जीन से बनने वाला प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, और एक डिजीज्ड और एक नॉर्मल जीन की कंपैरिजन भी हम उन दोनों के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से कर सकते हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से फिर डिफरेंट हो जाते हैं। So students, now we are going to discuss about the different methods which are used for DNA sequencing. So according to book, there are three methods. The first one method is the Sanger's method. The second one method is the Maxim-Gilbert method. And the third one is the automated DNA sequencing. So in our today's lecture, we will discuss only about the first one method, that is Sanger's method, which is also called as Sanger's sequencing. या हम इसको डाई डिऑक्सी मैथड भी कहते हैं, या हम इसको चेन टर्मिनेशन मैथड भी कहते हैं। दिस मैथड इज़ वाइडली यूज मैथड एंड इट नाउ बिकेम द स्टैंडर्ड बिकॉज ऑफ इट्स प्रैक्टिकलिटी। इट वॉज डिवेलप्ड बाय फ्रेडरिक सेंगर अलॉन्ग विद एंड्रयू कॉल्सन इन 1977 एंड दे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1980 फॉर दिस अचीवमेंट। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको फ्रेडरिक सिंगर की थोड़ी सी अचीवमेंट बता दूँ। फ्रेडरिक सिंगर डबल नोबेल प्राइज़ विनर थे, इनको दो दफ़ा नोबेल प्राइज़ दिया गया था केमिस्ट्री की फील्ड में। ये दोनों, इनको नोबेल प्राइज़ मिले थे। फर्स्ट टाइम इनको नोबेल प्राइज़ 1958 में मिला था, और ये नोबेल प्राइज़ इनको इसलिए मिला था क्योंकि इन्होंने इंसुलिन के पॉलीपेप्टाइड में मौजूद 51 एमिनो एसिड का करेक्ट सीक्वेंस डिटर्मिन किया था। और सेकेंड टाइम इनको नोबेल प्राइज़ 1980 में दिया था क्योंकि इन्होंने डीएनए की सीक्वेंसिंग के लिए सेंगर्स मेथड को डेवलप किया था। तो इन्हीं अचीवमेंट के बेसिस पर फ्रेडरिक सिंगर को फादर ऑफ जीनोमिक्स भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम उन मेजर स्टेप्स को डिस्कस करते हैं जो कि डीएनए की सीक्वेंसिंग के दौरान में फॉलो किए जाते हैं। तो स्टेप नंबर वन है कि हम जनरेट करते हैं पीसेस ऑफ डीएनए को ऑफ डिफरेंट साइजेस, ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट बट एंडिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स। मतलब कि इस प्रोसेस के दौरान में हम डिफरेंट डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, और उन फ्रेगमेंट्स का जो स्टार्टिंग सीक्वेंसेस होते हैं वो तो सेम होते हैं, बट उनके एंड वाले सीक्वेंसेस एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। स्टेप नंबर टू है कि हम इस प्रोसेस में सेपरेशन करेंगे
of different sized pieces of DNA by gel electrophoresis. तो gel electrophoresis का भी use किया जाएगा. Step number 3 है कि हम reading करेंगे sequence को from the gel. तो ये जो 3 steps हैं इनकी आपको completely समझ तब आ जाएगी जब हम Sanger's method को detail में discuss कर लेंगे. अब हम requirements को study करते हैं कि इस process के दौरान में हमें क्या क्या चाहिए होता है. जिस DNA की भी sequence आप identify करना चाहते हो तो उसका एक strand आपके पास मौजूद होना चाहिए. और इस प्रोसेस में हम जस्ट एक ही स्ट्रैंड का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मालूम करते हैं क्योंकि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री होते हैं. अगर आपको एक स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट मालूम हो जाती है तो दूसरा स्ट्रैंड चूंकि इसके कंप्लीमेंट्री होता है इसलिए ऑटोमेटिकली हमें उसके भी न्यूक्लियोटाइड्स जो अरेंजमेंट है तो वो मालूम हो जाते हैं. तो इस प्रोसेस के दौरान में हम अपने डीएनए की पहली एम्प्लीफिकेशन करते हैं. डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को पहले हम पीसीआर के थ्रू एम्प्लीफाई कर लेते हैं और फिर उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को हम हीट प्रोवाइड करते हैं, उसको हम डीनेचर करते हैं, उसको हम सिंगल स्टैंड की सूरत में ले आते हैं और फिर वही सिंगल स्टैंड एज अ टेम्पलेट काम करता है और इसी के फिर हम न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट को मालूम करते हैं. इस प्रोसेस के दौरान में हमें एंजाइम चाहिए होता है दैट इज़ टैक डीएनए पॉलीमरेज क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड्स को आप इसमें जोड़ता है और डीएनए के स्ट्रैंड्स को बनाता है. इस प्रोसेस के दौरान में हमें चाहिए होता है प्राइमर. होप्सो कि आपको प्राइमर की समझ आती होगी. प्राइमर फ्यू न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा हुआ शॉर्ट सेगमेंट है और ये डीएनए के जो स्टार्टिंग सीक्वेंसेस होते हैं ये उनके कंप्लीमेंट्री बनता है, आर्टिफिशियली बनता है और ये हम टैग डीएनए पॉलीमरेज के लिए बना रहे होते हैं क्योंकि जो भी डीएनए पॉलीमरेजेस हैं वो खुद से काम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, उनको काम करने के लिए प्राइमर की ज़रूरत होती है. तो ये उनके लिए एज अ इनिशिएटर काम कर रहा होता है. इस प्रोसेस के दौरान में हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए डीएनए के स्ट्रैंड को बनाने के लिए और वो है डिऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स, ट्राइफॉस्फेट्स और ये 4 डिफरेंट टाइप के होते हैं. डिपेंड करता है कि उनके साथ कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है. अगर एडेनिन जुड़ा हुआ है तो कहलाएगा डीएटीपी, अगर गुआनिन लिंक है तो डीजीटीपी कहलाएगा, अगर साइटोसिन जुड़ा हुआ है तो डीसीटीपी कहलाएगा और अगर थायमिन जुड़ा हुआ है तो डीटीटीपी कहलाएगा. तो ये 4 डिफरेंट टाइप के जो GNTPs हैं तो ये भी मौजूद होने चाहिए. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें इस प्रोसेस के दौरान में चाहिए डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट्स जिनको हम सिंपली DDNTPs भी बोलते हैं और नाइट्रोजन बेसिस के डिफरेंट होने की वजह से ये जो डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट्स हैं ये 4 डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. DDATP भी हो सकता है, DDGTP भी हो सकता है, DDCTP भी हो सकता है और DDTTP भी हो सकता है. तो अब ये डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड्स ट्राईफॉस्फेट क्या है या ये एक नॉर्मल DNTP से किस तरीके से डिफरेंट होता है इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. ये हमारे पास एक नॉर्मल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है, इसमें पेंटोज शुगर है. पेंटोज शुगर मतलब कि इसमें 5 कार्बन शुगर है, कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5. इसको हम डीऑक्सीराइबोस क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर कहीं पर ऑक्सीजन मौजूद होना चाहिए था लेकिन ऑक्सीजन मौजूद नहीं है इसलिए हम इसको डीऑक्सी बोल रहे होते हैं. इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पर कोई भी नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होता है और इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है और इसके कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है. तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है अगर ये किसी न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ना चाहेगा तो ये इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली जगह से भी जुड़ सकता है. इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के दरमियान में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है जिसकी वजह से एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ सकता है. और ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये ऊपर वाली जगह से मतलब कि इस 5th कार्बन में मौजूद फॉस्फेट ग्रुप की वजह से भी जुड़ सकता है किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ. तो इट मीन कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ने में इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का भी हाथ है और इस फॉस्फेट ग्रुप की जगह से भी ये किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ सकता है. तो ये तो हमने नॉर्मल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड की बात कर ली. अब हम बात करते हैं डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जिस तरीके से उसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि अब ये डाई डीऑक्सी है मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग होंगे. एक तो कार्बन नंबर 2 पे मिसिंग है तो वो तो नॉर्मल है लेकिन यहाँ पे मज़े की बात यह है कि कार्बन नंबर 3 पर भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग है. तो दो जगहों पे जो ऑक्सीजन है तो वो मिसिंग हो जाने की वजह से अब ये एक यूनिक तरह का एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड बन चुका है. इसके कार्बन नंबर 1 पर बेस मौजूद होता है,
इसके कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट तो मौजूद होता है, बट इसके कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं होता है। अब कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद नहीं है, इसलिए ये इस वाले पोजीशन से किसी भी न्यूक्लियोटाइड को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, जबकि ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ लिंक हो सकता है, लेकिन इस हाइड्रोक्सल ग्रुप वाली पोजीशन की वजह से, मतलब अब चूँकि वो नहीं है, इसलिए अब वो इस कार्बन नंबर 3 वाली जगह से किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है। तो एक नॉर्मल और एक DDNTP वाले न्यूक्लियोटाइड में ये मेजर डिफरेंस होता है कि यहाँ पे जस्ट एक ही जगह पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग है और यहाँ पे दो जगहों पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिसिंग है। तो कार्बन नंबर 3 पर हाइड्रोक्सल ग्रुप ना होने की वजह से ये इस वाली पोजीशन से किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ नहीं जुड़ सकता है।